तारक मेहता कर रही थी उसके उसी टाइम से मेरी चीजें बड़ी खराब हो रही थी। असित मोदी जी ने मुझे लाइन बोली कि मैं तुम्हें बाहर कहीं काम नहीं करने दूंगा और चाहे तो छोड़ के देख लो। एक बात मैं बहुत बोलती, छोड़ दे वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं। Hey, it's me, Dhiro, Manchik. Oh, भाई ये क्या चल रहा है तारक मेहता के शो के साथ? अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि भाई सबसे पहले तो शो बंद हो जाना चाहिए, और जैसी अब चीजें चल रही है, जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उन्हें देख के तो लग रहा है कि बंद हो ही जाएगा। शो बंद इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि भाई पिछले कितने सालों से कब से चल रहा है शो, रुक जाओ भाई, पिछले 15 सालों से शो चल रहा है और भाई तब से अभी तक शो की वही स्टोरी चल रही है। वो बट की शादी होके नहीं दे रही, टप्पू सेना भाई 25-25 साल के हो गए लेकिन अभी भी बच्चों वाली हरकतें करते हैं, और जेठा जी जो है वो आज भी बबीता जी के ऊपर पूरे फिदा है। खैर वही क्या, उनके ऊपर तो सभी पिता है। So, वीडियो जो है दो हाफ में डिवाइड कर देता है, पहले हम कंट्रोवर्सी डिसाइड कर लेता, उसके बाद ये बात करेंगे क्यों शो बंद होना चाहिए, और कुछ एपिसोड्स देखेंगे कि भाई सही में इनमें पहले ऐसा मजा आ रहा नहीं आ रहा। मैं चुप थी क्योंकि सलीका है मुझ में। ये क्या भाई, यहाँ डिसमिस होने वाला है क्या अभी? खुदा गवाह है कि सच क्या है। हाँ? खुदा गवाह है कि सच क्या है। ठीक है, याद रख, उसके घर में कोई फर्क नहीं है तुझ में और मुझ में। वाह 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 वाह, अरे कैसे नहीं है ऊपर वाले के घर में फर्क। जो अच्छे काम करेगा उसके लिए अच्छा होगा, जो बुरे करेगा उसके लिए बुरा होगा। और भाई कुछ भी कंट्रोवर्सी होने पे या तो लोग डिस बना देते हैं या फिर जिनसे डिस नहीं बनता वो शायरियों में खेलते हैं अपनी। सबसे पहले तो इनके 50 रुपए कटने चाहिए भाई, फिर इन्हें जो है भाई न्याय मिलना चाहिए, मतलब जो भी चीज सही है उस चीज को सब जांच पड़ताल करने के बाद जस्टिस मिलनी चाहिए। भाई ये क्या थंबनेल है, तुम्हारे होंठ चूमने का मन कर रहा है बेटे। सोडी भाई ने अगर ये थंबनेल देख देना साले सोडा पी पी का मारेंगे तुझे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के असित कुमार मोदी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर मुझसे पान निकाल के बोल रहे हैं। क्या बोल लिए? असित कुमार मोदी ने एक्टर से कहा कि उनके होंठ बहुत सुंदर लग रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो उन्हें किस कर ले। साथ ही उन्होंने एक्ट्रेस को ये भी कहा कि भाई तुम अकेले रूम में क्या करती हो, मेरे रूम में आ जाया करो, तुम्हारी रूम पार्टनर चली जाती है तो मेरे रूम में आओ और हम विस्की पीते हैं। यार फैमिली शो के पीछे ये सब क्या चल रहा है? असित भाई मैंने माना सोडी भाई को जो है दारू पीना बहुत पसंद है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि उनकी बीवी को तुम विस्की पिलाने बुलाओगे। देखो इनका ये कहना और शो के मेकर्स का ये कहना है कि ये जो है डिसिप्लिन से नहीं रहती थी सेट के ऊपर, अच्छे से काम नहीं करती थी और लोगों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती थी, उस चीज को लेकर शो के मेकर्स ने और प्रोड्यूसर ने इनको निकाल दिया काम से, तो अभी ये सारी बातें बोल के जो है वो बदला ले रही हैं। अब कितना क्या झूठ है क्या नहीं भाई ये तो नहीं पता, मैंने तुम्हें दोनों साइड की स्टोरी बता दी। तो गलत बात है, कोई फोन नहीं उठा रहा है, 1.5 साल से बंदा मिल नहीं रहा है आपको, ऐसे तो गलत बात है। तो मैं जब डायरेक्टली गई तो वो ऑफिस में थे, तो उन्होंने मुझे बोला तुम बिना बताए ऑफिस क्यों आई हो, मैंने बोला क्योंकि आपने मेरा 1.5 साल से फोन नहीं उठाया है और आपके बंदे कोई जवाब नहीं देते, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो किसके साथ प्रॉमिस किया था आपने मुझे कास्ट करने से पहले कि आप मुझे ये पे करोगे, और आप फोन बंद कर दिया, आपने बात करनी बंद कर दी। मोनिका भादुरिया जो है भाई वो बाबरी का रोल प्ले करती थी, इन्हें भी बहुत टाइम से शो में नहीं दिखाया गया, तो इन्होंने अभी आके स्टेटमेंट दी है, मे बी रियल हो सकती है। तुम्हारी कितने बॉयफ्रेंड हैं, तुम सिंगल तो हो ही नहीं सकती हो, तो तुम अभी किसके साथ से आ रही हो, कौन तुम्हारे साथ था, क्या था, तुम ड्रिंक करती हो, फालतू नॉनसेंस बातें वो करते थे ऑफिस में, तो आप क्या ही बोलोगे इस इंसान को कि जो भाई ये शो जो है इन सारी कंट्रोवर्सी के चलते बंद होना हो, लेकिन भाई ये बंद हो जाना चाहिए यार, बहुत ज्यादा हो गया ये। अरे पिछले 15 साल से एक ही चीज देखे जा रहे हैं और अब तो मजा भी नहीं आता। सही बताऊं तो पिछले एपिसोड इतने फनी होते थे भाई, इतना मजा आता था उन्हें देखने में, और अब का अगर एपिसोड देखने बैठ जाओ ना भाई दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। काका ने शादी के लिए कुछ भी और करने को कहा होता ना तो एक बार कर लेता, लेकिन डायरेक्ट नाम बदल दो। भाई ये लेटेस्ट एपिसोड है आज का ही 18 में, और ये इतनी पागल वाली बातें कर रहे हैं इस एपिसोड के अंदर कि भाई इसकी शादी नहीं हो रही है, किस वजह से? क्योंकि इसका नाम पोपट लाल है इस वजह से, और पिछले 15 साल बाद आज रियलाइज हो रहा है इसको कि नाम बदल लेता हूं शायद तब शादी हो जाएगी। अभी काफी टाइम पहले जो टप्पू की मम्मी थी दया बहन, उन्होंने शो छोड़ दिया है, बस वो शो के अंदर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि वो टप्पू की नानी के घर पे है, और जब जब इन्हें लगता है कि दया बहन को याद कर रही होगी ऑडियंस तब भाई उन्हें बुलाने की प्लानिंग बना देते हैं, और एंड में पता लगता है कि भाई कभी सुंदर उन्हें नहीं भेज रहा है, कभी उनकी मम्मी उन्हें नहीं भेज रही है, कभी दया बहन गुस्सा हो गया वो इसलिए नहीं आ रही है, और ऐसा करके वो आती नहीं है। उनको शो को छोड़ने का रीजन ये था कि उन्हें ज्यादा थोड़े से पैसे चाहिए थे, जितनी उन्हें फी मिलती थी उससे ज्यादा, 1.5 लाख पर एपिसोड मिलती थी, भाई उन्हें 3 लाख चाहिए थे ऐसे कुछ अमाउंट था, और साथ ही साथ उनकी एक बेटी हुई है तो उसको उन्हें टाइम देना था, तो उन्होंने कहा मैं 2 या 3 घंटे शूट कर सकती हूँ बस, ये सारी कंडीशन शो वालों ने मानी नहीं तो वो आती नहीं। जरा सोनू का भी हाथ देखिए ना, देखो देखो 4 बार सोनू बदल गया शो के अंदर, लेकिन शो की स्क्रिप्ट ही नहीं बदल रही है। बोले बोले क्या खाने बुलाया है, क्या खत्म करना है? नहीं नहीं कुछ खत्म नहीं करना है बेटा। ये भाई है 25 साल का हो गया है बंदा, लेकिन इसे आज भी खाने को ही चाहिए।
यार हम बड़े हो गए हैं या हमारे साथ बड़े हो गए हैं, तो अब जैसी हम बातें करते हैं वैसी करेंगे, तभी तो इन्हें देखने में मजा आएगा। ये अभी तक बच्चों की तरह लगे पड़े हैं, खाना दो इसे पहले। बट इनकी भी क्या गलती भाई, जो शो वाले चाह रहे होंगे वो ये लोग कर रहे होंगे। और बहुत सारे जो शो के कैरेक्टर वो इसी वजह से निकल गए शो से, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई कुछ अलग होना चाहिए शो के अंदर। और ये बात जो सबसे पहला टप्पू था उसने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी, सोसाइटी पहुंच जाए भाई, इसकी 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 तो शादी हो जानी चाहिए थी, अब तक इन्हें दिख के ऐसा लग रहा, इसकी तो करा ही दो भाई। लेकिन शो के मेकर्स इनसे भी जो है ना भाई एकदम डम एक्ट करवाते हैं शो के अंदर, एकदम बच्चों वाला। और भाई पता नहीं इनके दिमाग में अजीब अजीब आइडिया कैसे आते हैं यार। एक एपिसोड में क्या होता है, जो चंपक चाचा होता है इनके बॉल लग जाती है आके, तो गैस करो भाई वो किस तरीके से अपना गुस्सा निकालेंगे, ज्ञान देकर, डांट कर, प्यार से समझा कर, या फिर गाना गा कर, सॉरी रैप कर कर। अरे सुनो मेरी बात, छोड़ो झगड़े की बात, अरे क्यों करते हो आप? बेस्ट रैपर अलाइव दोस्तों। पहले सबको बुलाओ, क्रिंज। ना भाई तुम्हारे दादाजी घर के सारे सदस्यों को अगर बुला के इकट्ठा करते हैं तो क्या वो सब एक साथ आ जाते हैं और एक साथ आके एक साथ ही बोलते हैं? बोलो दादाजी, एमिनम भी घबरा रही है चचा का गाना सुन के, ना कह रहा भाई गलती से भी डिस ना कर दे मुझे ये। चंपक चाचा तुम्हारा बस डांस बढ़िया लगता है, गाना नहीं। मैंने माना माधवी को इम्प्रेस करने के लिए तुम अपने सारे टैलेंट दिखाने तैयार हो, लेकिन लेकिन वो डांस तक ही ठीक है बस। वो मेरे आने पे खिल जाना तेरा। अबे यार भाई आजकल तारक मेहता के नए एपिसोड से ज्यादा फनी तो मीम्स है, लेकिन वो भी पुराने एपिसोड के ही, नए के तो मीम भी फनी नहीं बनेंगे। भाई ये लास्ट में क्या चीज शुरू हो गई, गलत साइड पे तो नहीं आ गया मैं बंद कर रहा हूँ। भाई वो मीम्स ही देख लेते हैं पुराने ना, फनी फनी। ये पाइप कैसे जमीन पे फेंक देना चाहिए था ना, अरे पाइप का जमीन पे फेंकता था पाइप, ऐसा 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 होकर इधर भी पानी जाता था ना, ऐसा ऐसा कैसे होता पाइप को साफ थोड़ी है। अरे मालूम है सांप नहीं है, लेकिन पाइप के अंदर जो पानी है उसके फोर्स की वजह से पाइप सांप हो जाता है ना। ओ भाई जेठा भाई ने तो दिमाग वाली बात कर दी भाई। अरे तुझे न्यूटन के नियम मालूम नहीं है भाई? न्यूटन के नियम? तू भाई ट्यूशन ले, ट्यूशन ले। नहीं आज छुट्टी है बच्चों का। अरे तू किस से ट्यूशन ले? अबे यार न्यूटन मालूम नहीं, इधर आओ। अब क्या बाकी है? इसका न्यूटन का नियम मालूम नहीं है, समझाओ जरा। कौन न्यूटन? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? अरे आईजी न्यूटन। भाई ये एक लौता मीम जो है ना तारक मेहता के नए चार एपिसोड से ज्यादा फनी है। बताओ यार ये मास्टर है से फिर भी नूतन के लो नहीं पता है, पता होने चाहिए यार। भाई 2 करोड़ बाद में कुर्बान करना, पहले ये बता 5 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करेगा तू? जरूरत पड़ने पर मैं अपने आप को बेच दूंगा। खरीदेगा कौन और बिकेगा कितने का तू? फिर भी 4,99,000 कहाँ से लेगा तू? चैड भाई चैड, जेठा भाई का कोई तोड़ नहीं है भाई सैवेजनेस में ना। भाई इतने कैरेक्टर्स बदल गए, जिस दिन जेठालाल बदल गया उस दिन तो भाई शो बंद है पूरा समझ लो। क्या कह रहा हूँ, वो तो वैसे ही बंद हो जाएगा कंट्रोवर्सी के चलते। भाई ये हाथ क्यों उठा रहा है जेठालाल? है अय्यर उठा रहा है, अय्यर का हाथ उठना चाहिए। देख 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 किसकी पत्नी? मेरी पत्नी है। और सीजन 2 लाए कुछ महीनों बाद, भाई बतेरा चल जाएगा, मजा आ जाएगा लोग को। ये बदतमीज इंसान छुप छुप कर खूबसूरत लड़की की फोटो खींचता है। खूबसूरत लड़की यहाँ तो कोई नहीं है। मैं यहाँ बैठ के पूरे दिन तारक मेहता के मीम्स देख सकता हूँ गाइस। बट वीडियो काफी बड़ा हो गया, तो वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। और तुम अपने ओपिनियन देना शो के बारे में, तुम्हारे क्या है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि शो अब बंद हो जाना चाहिए और जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है इनका सच सामने आना चाहिए और जस्टिस मिलनी चाहिए। सो ठीक है गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। और कमेंट जरूर कर देना एक, और लाइक कर दोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा।